बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए दिवाली स्पेशल स्वीट रेसिपी, जिसे हम बिना मावा, बिना चाशनी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बन सके। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक बोल ले लेना है, और यहाँ पर हम मेजरिंग कप से सेट कर रहे हैं। आप चाहे तो एक कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें अपने घर की इस तरह से, तो उसी से आपको मेजर करना है। मेजरमेंट का बहुत ही ध्यान रखना है। तो आधा कप हमने दूध लिया है। दूध हमारा पहले से ही बॉयल वाला दूध है, तो ये रूम टेम्परेचर का है। इसे हमें गर्म नहीं लेना है, ना ही ठंडा लेना है, इसे रूम टेम्परेचर का लेना है हमें दूध। तो अब हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे दूध को। तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से मेजर करें। अब इसमें सेकेंड जाएगा शुगर पाउडर। तो यहाँ पर शुगर पाउडर ही यूज़ करना है। अगर आपके पास शुगर पिसी हुई नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में करके पीस लें, क्योंकि पिसी हुई शक्कर को ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल फाइन सा बना लेना है इसका पाउडर। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसे, और ये हमने आधा कप लिया है। तो जिस कप से आपने दूध लिया है उसी कप से आधा कप शुगर लेनी है। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं देसी घी। तो ये 2 टेबल स्पून है। यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। विस्कर से आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। और एक बात बताएं फ्रेंड्स, हमने शुगर में एक इलायची को भी पीस लिया था। तो अगर आपके पास इलायची पाउडर अलग से है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। जो आपको दूध में हरा हरा दिख रहा है वो इलायची है। इलायची पाउडर हमने शुगर में पीस ली थी तो वही आपको दिख रहा है। अब हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर देना है, और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हम गैस पर नहीं रख रहे हैं, अभी हम ऐसे ही सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। और गैस पे हमने पैन में दूध को ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्लेम अभी हमारी हाई पर है, और 2 से 3 मिनट के बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और इसे तकरीबन अभी हमें इसे पकाते रहना है अच्छी तरह से। तो तकरीबन समय लगेगा इसमें 10 से 12 मिनट। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 मिनट हो गए हैं। तो 8 मिनट में हमारा ये टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से अब ये ड्राई होने लगा है। तो इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, और आप देखेंगे 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो गए हैं। 12 मिनट में ये तला छोड़ने लगा है। तो हमें इसी तरह से कर लेना है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं ना, इसी तरह से हमें साइडों से हटाते हुए बस ऐसे ही तैयार कर लेना है इसका मिश्रण। तो अब हमने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। हमने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो उसके बाद में अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे, बिल्कुल आटा गूंदने की तरह। और फिर उसके बाद में हमने इसका रोल तैयार कर लिया है। और आप चाहें तो यहाँ पर पेड़े भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने रोल बना लिया है। फिर हमने इसको एक बार 5 या 10 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख देना है। और अब हमने फिर से निकाल लिया है फ्रिज से। अब हम इस पर लगाएंगे सिल्वर वर्क। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो लगाएं, और वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, या आप ड्राई फ्रूट से भी इस पर गार्निश कर सकते हैं। तो अब हमने इस पर सिल्वर वर्क लगा लिया है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। जो बाहर मार्केट में भी बहुत महंगी महंगी, बहुत कॉस्टली मिठाई मिलती है, उसी को आप घर में भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पिस्ते से गार्निश किया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कोई भी फेस्टिवल हो या कोई ओकेजन हो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह।